तो हर कोई ना मतलब रोज़ी की और हरकतें ऑब्जर्व करते हैं, क्या चल रहा है, उसकी ड्राइंग बुक्स देखते हैं कि क्या बना रही है, बहन की ड्राइंग बना रही है, क्या बना रही है। तो ना वो एक रेपिटेटेड क्या चीज़ देखते हैं, एक लड़की बना रही होती है जिसके मुँह बंधा हुआ है, सारी खिड़कियाँ खुली हुई हैं। कहती है मतलब मैं चींक मारना चाहती हूँ देख के, मेरी चींक भी नहीं बच रही है। और इतनी देर में ना रोज़ी मेरे को ऐसा करके पुल करती है मेरी फिंगर और कहती है कि वो लोग आ गए हैं। क्या वो लोग आ गए हैं? वो लोग आ गए। अगले दिन जब वो सेंसेस में आए ना दोनों, उसने उससे पूछा रोज़ी ने कि मतलब दीदी आपको दिखे थे वो? अच्छा। मेरे को तो वो रोज़ दिखते हैं। तो कहती कि देखो क्या दिखता है। हाँ जी, कितना फिर वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज स्टोरीज विद हिताक्षी और हम आ चुके हैं न्यू स्टोरी के साथ और हमने टाइटल आपने देख लिया। सो वी हैव हिताक्षी महाजन विद अस। इनके चैनल पे ही ये खुद आए हैं और मैं होस्ट कर रहा हूँ। और थंबनेल टाइटल जो थंबनेल है उस पर मैंने फोटोज देखी हैं कि उसमें कुछ एक्सीडेंट की बात है, कुछ बच्चों की बात है। तो क्या है आज की स्टोरी? क्या है आज की स्टोरी? चेंज करता है, यू टेल मी द स्टोरी। मुझे इतना ही पता चला है कि कुछ एक्सीडेंटल है क्योंकि हो रखी हैं काफ़ी चीज़ें, मेरे नियर बाय भी हो रखी हैं। कोई ऐसी जगह होती हैं, हम बात कर रहे थे कि जब एक्सीडेंट ऑल ऑफ सडन एक्सीडेंट होता है तो वो नेचुरल डेथ नहीं होती ना, बताते हैं। सो ये आज की जो स्टोरी है, मेरे जब एक सब्सक्राइबर ने भेजी है मेरे को ईमेल पे, आप लोग भी वैसे अपनी स्टोरीज भेज सकते हैं, तो उन्होंने मेरे को भेजी थी और उन्होंने मेरे को बताया कि मतलब जब उन्होंने शुरू किया ना स्टोरी ऐसे कि ये हुआ, ये चीज़ें हुई, और उसके बाद उनका ये कहा था कि आई कांट एक्सप्लेन इट होल राइट करके, आई वांट टू सेंड यू द ऑडियो नोट। फिर मैंने उनको बताया था कि ओके इस तरह से आप जीमेल पे अटैच करके भेज सकते हो मुझे। तो उन्होंने भेज के पूरा सुनाया मेरे को कि ऐसी ये चीज़ हुई थी जब उनकी बहन सिर्फ 4 साल की थी। ओके ओके। अच्छा, मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, ये आईडी दे रखी है हिताक्षी की, आपके पास कोई स्टोरीज है आप ऑडियो फॉर्मेट में जहाँ फिर टाइप करके भी चल सकता है, पीडीएफ जैसे भी भेज सकते हो भेजो। आपकी स्टोरी अगर लगेगी, आपसे परमिशन लेके आप खुद भी सुनाना चाहो तो आ सकते हो, अप्रूवल है, वो आके भी सुना सकते हैं। उनका अप्रूवल चाहिए। हाँ, मतलब अगर आप आना भी चाहते हो या अपना फेस रिवील करना चाहते हो या फिर अपना नाम भी, तो काफ़ी होते हैं कि उन्होंने अपना नेम भी नहीं रिवील करना और बताना भी, स्टोरी है उनके पास। तो ठीक है, कुछ होता है यार, अवेयरनेस होती है कि ऐसी चीज़ें होती हैं तो हम बच जाते हैं, कुछ पॉडकास्ट ऐसे होते हैं। सो इन्होंने जब मुझे अपनी स्टोरी भेजी तो आई वॉज वेरी स्टंड कि सिर्फ एक 4 साल के बच्चे के साथ ऐसा हुआ है। मतलब सोचने में बहुत ज़्यादा स्केरी लगता है कि 4 साल के बच्चे को इतनी सारी चीज़ें एक्सपीरियंस हो गई। सो स्टोरी कहाँ से शुरू हुई थी कि इनके चाचा चाची, उनकी बेटी और इनकी छोटी बहन रोज़ी, जो कि पूरी स्टोरी जिसके अराउंड है वो करेक्टर, ये लोग ना किसी फैमिली ट्रिप पे जाते हैं और जब वापस आ रहे होते हैं, घर की ओर आ रहे होते हैं, एक इनका एक्सीडेंट हो जाता है रोड पे। अच्छा। और वो गाड़ी का इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ होता है कि मतलब कोई देख के उसको ना कहते हैं कि मतलब कोई बचा नहीं होगा अंदर, पर फॉर्चुनेटली ये 3 लोग बच जाते हैं और अनफॉर्चुनेटली जो उनकी बेटी होती है चाचा चाची की, उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। और रोज़ी भी क्योंकि पिछली सीट पे बैठी थी, इसका भी इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आया था उसी तरीके से। तो ये कुछ 3-4 दिन तक बेहोशी वाली स्टेट में थे कि बचेगी नहीं बचेगी, कुछ नहीं था। मतलब एक तो वो अपनी ऑलरेडी एक बेटी घर की गवा चुके हैं और एक बेटी इस कंडीशन में पड़ी हुई है। तो दे वर ट्राइंग देयर फुल कि किसी तरह से कुछ मतलब हुआ है, सोल्यूशन आ जाए कि हमारा बच्चा ठीक हो जाए। और चाचा चाची को भी बहुत चोटें आई थी, मेजर फ्रैक्चर्स भी हुए थे, सब कुछ हुआ था, बट ऐसा नहीं था कि वो इस स्टेट में पहुँचे हों। सिर्फ बच्चे ज़्यादा इम्पैक्ट हुए थे। सो जब वो बच्चा ठीक हो जाता ना, वो घर में आती है तो रोज़ी का क्या था कि उसको अपनी दोनों बड़ी बहनों से बहुत अफेक्शन थी क्योंकि ये सबसे छोटी थी। राइट। उसने जो अपने चाचा की बेटी के साथ थी, रोज़ी उसके साथ भी रहती थी कि साथ में क्लासेस है, साथ में खेलना, साथ में टिफिन खाना, सब कुछ ऐसे। और इसका क्या होता था कि ये मतलब थोड़ी सी 7 ईयर्स की थी तो इसको होता था कि लेट मी फोकस ऑन माय स्टडीज़, है ना, थोड़ा वो वाला एज में बच्चा आ जाता है कि मैं फर्स्ट आऊँगा, मैं ये वाला करूँगा, वैसे वाला समझ। तो इसको कहती कि मुझे भी उस टाइम पे उतनी नहीं थी, मैं ऐसे बताऊँ कि मेरे को भी नहीं पता था जो चीज़ें होने वाली हैं, जो चल रही थी कि वो कैसे हुई, क्या था और मुझे किस हिसाब से रिएक्ट करना चाहिए था। शायद से अगर मैं इस एज में जिसमें मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ ये सब होता तो मैं ज़्यादा मैच्योरली एक्ट कर पाती, बट हम थे ही बच्चे। सो हुआ क्या कि जब वो एक्सीडेंट उसका हो गया, उसके बाद जब वो हॉस्पिटल से घर आती है, वो ना बड़ी गुमसुम सी सुनसुन सी रह रही है अपना, मतलब उसको कहते थे कि बेटा कलरिंग कर ले, ड्राइंग बुक्स में ये कर ले, कुछ करो, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा था कि इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है कि बच्चे के दिमाग पे ना असर पड़ा हो, तो आप इसके सोने के पैटर्न पे, खाने के पैटर्न पे, बोलना, कहीं कुछ ज़्यादा गुस्सा ना करे, सारी चीज़ों पे ध्यान रखो। ओके। कि पढ़ाई में लगाएगा दिमाग बच्चा आपकी नहीं, कि जो भी है। तो रोज़ी के ऊपर ना सारे परिवार की अब नज़र थी, और कहीं ना चाचा चाची को भी बहुत एक इमोशनली बॉन्ड और ज़्यादा कनेक्ट हो गया था, क्योंकि उनका अपना बच्चा जा चुका है ना। घर में एक माहौल वैसा बन गया था, और रोज़ी अटैच थी अपनी दोनों बहनों से, उसको भी दिखती नहीं थी। तो ना समटाइम्स क्या होना कि उसने ना ऐसे करते करते कलरिंग जब करना ना ऐसे करते करते हंसने लग जाना रूम में अकेले। अच्छा। बैठे हुए, मतलब आउट ऑफ नोवेयर। तो कहती कि ना पहले दिन ना सबसे पहले दादी ने ऑब्जर्व किया था हमारी कि ना रोज़ी ना अंदर कमरे में बैठी हुई ना अकेले हंसी जा रही है। तो कहते कि ना इसको इसका पांडा पुंडा करवा के लाते हैं कि इस पर हमें लगता है कि कुछ है। तो बड़े बुजुर्ग जल्दी आ जाते हैं इन चीज़ों में कि कुछ है, ऐसे करके पांडा करवा के लाते हैं। वो उसको पकड़ते हैं, उसको ले जाते हैं, और उसका बाकायदा वो जैसे पांडा करवा के नींबू, उसको कहते हैं कि हमसे ना नींबू कटवाया, नींबू काटने को बोला कि चौराहे पे फेंक के जाना है और वापस नहीं देखना। ओके। और मेरे को लेके नहीं गए थे, मेरे को आके ना ऐसे ऐसे मैंने दादी से पूछा क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर कहते हमने ऐसा किया, फिर क्या हुआ, फिर मैंने ऐसे पूरा कहानी की तरह भी दादी मेरे को आके सुनाते हैं कि जितना प्यार होता है जैसे बच्चों के साथ सब कुछ ऐसे। तो कहते हैं रोज़ी आके ना उस दिन मतलब इस हिसाब से सोई कि जैसे वो सोई नहीं थी काफी दिनों से। अच्छा। बहुत डीप रिलैक्सेशन में सोई, क्योंकि उसके जो छोटे छोटे लगी थी, बच्चा था ना तंग करता था बार बार, सोया उस दिन बहुत अच्छे से सोई वो। अगले दिन ना उठी और ना वो नॉर्मल जैसे लाइफ रूटीन चल रही है, स्कूल जा रही है, वापस आ रही है, काम कर रही है, ठीक है, इनका भी चल रहा है। तो ना बीच बीच में ना इसने ऑब्जर्व करना शुरू किया कि जब हम बैठे होते हैं, हम टीवी देख रहे होते हैं, तब नहीं मैं टीवी देख रही हूँ, मतलब मेरा ध्यान क्या है कि जो कैरेक्टर्स मूव हो रहे हैं उस पर, ये टीवी नहीं देख रही है, टीवी के कुछ थ्रू देख रही है, कि जोन आउट हो जाती थी। ऐसे लगता था टीवी वहां पे है ही नहीं है, दीवार वहां पे है ही नहीं है, नहीं जोन आउट हो जाती थी। क्योंकि बचपन में टीवी अपने वो वाले होते थे ना बॉक्सेस वाले, वो अपने हाइट पे लगे होते थे बेड के, वहां पे हम ऐसे करके थोड़ी देखते थे तब, ऊपर देखे हम सही तो देखे, बिल्कुल फ्रंट पे होते थे। हाँ, तो वो बच्चा भी वैसे ही बैठ के देख रहा है ना, तो उसको लगता था कि यार ये वहां पे देख ही नहीं रही है, इसका थोड़ा सा आई लेवल, जैसे आई लेवल ये है मान लो उसका। तो उसने फर्स्ट चीज क्या ऑब्जर्व की थी कि वो टीवी में नहीं देख रही है, अपने फेवरेट कार्टून्स भी नहीं देख रही है, वो सीधा देखी जा रही है, कहीं और है उसका ध्यान, वो जोन आउट है। लेकिन एज सून एज उसने कुछ बात करनी उससे, उसने कोई बात करनी, कोई बात नहीं दीदी ठीक है मैं कर दूंगी, हम खा लेंगे, अच्छा आपने ये करना है, कर लेंगे, हो जाएगा। जो भी आंसर्स उसने रोज़ी से पूछे, रोज़ी ने आंसर्स दे देने, मतलब वो बच्चा इतना प्यारा था। सो ये सब ना थोड़ी थोड़ी हरकतें, हर कोई उसके घर में रोज़ी की हरकतें कुछ कुछ ऑब्जर्व कर रहा था कि ये ठीक नहीं है। और क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि इतना बड़ा एक्सीडेंट है, साइकोलॉजिकल कुछ हो सकता है, ब्रेन पे न्यूरोलॉजिकल कोई असर हो सकता है, उनको ये लग रहा था। ओके। और क्योंकि बड़ी बहन भी तो एक मर गई ना, बच्चा उसको देख भी नहीं पा रहा है, और ये थी भी छोटी, तो कहीं ना ये लोग बिलीव करते थे ऐसा तो नहीं है कि इसको उसकी आत्मा दिखती हो। अच्छा। कि कुछ भी हो सकता है। घर वाले अब अगर आप लोगों का भी मतलब अगर आप सोचो, आपके बड़े बुजुर्ग सबसे पहले यही चीज करते होंगे कि नजर उतार दो इसकी। यस यस। बीमार हुआ है नजर उतार दो, फांडा करवा लो। चाहे आप गुरुद्वारा में जाओ, वो ऐसे करके वो 2 बार आपको वो मारते हैं ना, चाड़ा करना कहते हैं पंजाबी में, पंडित मोर पंख मारते हैं। हाँ। सेम सबका हर एक का अपना अपना वो चीज, तो वो बेसिक चीजें। तो ना ये ऐसे ऐसे करके चल रहा है और सबको पता चल रहा है कि हरकतें हो रही है कुछ, तो इसका ना समझ नहीं आ रहा। अभी तक उनको ये लग रहा है कि दिमागी हालत इसकी ठीक नहीं है, इसको ट्रॉमा हो गया अपनी बहन का। तो हर कोई ना मतलब रोज़ी की और हरकतें ऑब्जर्व करते हैं, क्या चल रहा है, उसकी ड्राइंग बुक्स देखते हैं कि क्या बना रही है, बहन की ड्राइंग बना रही है, क्या बना रही है। तो ना वो एक रेपिटेटेड क्या चीज़ देखते हैं, एक लड़की बना रही होती है जिसके मुंह बंधा हुआ है, वो एक ड्राइंग करती है, सर्कल बनाती है, वो जो पॉपसिकल सा कहते कि हम लोग ना एक ही चीज ऑब्जर्व करते थे कि उसके ना ऐसे 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 उसने मुंह पे ना वो काली सी पट्टी लाइन मार देनी, जैसे कि बंधा हुआ हो या समझ मुंह काट रही है। समझ नहीं आता था कि वो मुंह का क्या कनेक्शन है, कि उधर काला सा क्रेयॉन उसने फेरा ही होना। थोड़ी ड्रॉइंग्स हमने पलट के देखनी, उसके बाद कोई ब्राउन ब्राउन कलर उसने फैला होना, उसके बाद फिर से एक छोटी सी लड़की और उसके ऊपर पट्टी। यदि पट्टी तो मैं आपको बता रही हूँ ना, क्योंकि मेरे को समझ आ गया कि वो क्या चीज़ थी, पर उस टाइम पे हमें समझ ही नहीं आता था कि इसने क्या किया हुआ है, ये इसके दिमाग में चल क्या रहा है, क्या सोच रही है ये, क्या ये खुद को डिपिक्ट कर रही है कि मैं बोल नहीं पा रही हूँ, क्या ये वो बहन बना रही है, मतलब वो समझ नहीं पा रहे थे। रोज़ी खुद की ड्राइंग कर रही है, रोज़ी अपनी वो जो बहन जिसकी डेथ हो गई है उसको बना रही है, या करना क्या चाह रही है। फिर उन्होंने डॉक्टर के पास लेके गए, वो कहते कि बच्चा थोड़ी देर करता ही ऐसे डील, मतलब आपका बच्चा बोल रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है, खा पी रहा है, ठीक है। वो उनके अकॉर्डिंग तो ये था ना कि कहीं कुछ और ना डिफेक्ट आया हो, कोई इंटरनल वाला इशू ना आया हो, बट वो सब ठीक था। ओके, उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग ठीक थी। सो बेसिकली हुआ क्या था, उसको वैसी चीज़ें कर क्यों रही थी, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स तो सारे परेशान थे, मम्मा पापा, ये उसके दादा दादी, चाचा चाची, सब ऑब्जर्व कर रहे थे। चाचा चाची इनफैक्ट इतना ऑब्जर्व कर रहे थे कि उनको थोड़ी देर के लिए ना, कई बार ऐसा होता था कि हम लोग ऑब्जर्व करते थे कि यार इनको अपनी बेटी का दर्द भूल के ये रोजी का ध्यान रख रहे हैं, ये सब चीज़ें चल रही थी वहाँ पे। सो सारा कुछ ऐसे ही। एक रात आती है और ना वो कहती है कि दीदी मेरे को वॉशरूम जाना है तो आप चलो, और ये दोनों ना मम्मा पापा के बीच में ही सोए होते हैं। तो ना वो कहती है कि ना चल मैं तेरे को लेके चलती हूँ, कोई बात नहीं। तो ये ना वॉशरूम के लिए बाहर जाता है, वो वॉशरूम बाहर भरा होता है, अपने दरवाजा खोलते हैं और बाहर के लिए जाते हैं। तो उनका आंगन कैसे बना हुआ था, जैसे ये आंगन है, ठीक है, नीचे 4-5 स्टेयर्स उतर के उनका रूम है। ओके। फिर उनका डाइनिंग रूम है, फिर उनका एक और रूम है ऐसे, और ये जो मेन आंगन है, और उधर बाहर को वॉशरूम है, वहीं पे धोने वाली जगह ऐसे करके कपड़े धोने वाली वो सब, और वहीं पे वो बर्तन भी धोया करते थे। तो ये उसको लेके जाती है बाहर, और ऐसे करके ना जब जाते हैं वो अपना वॉशरूम के लिए, तो कहती है मैं बाहर वेट कर रही हूँ, तो करके आ। तो ये ना वेट करती है, वो आती है वापस, तो ना वो ना कहीं और दिख रही होती है एयर में। अच्छा। तो ना कहती है कि ना रोजी क्या कर रही है, चल। तो कहती है वो मैंने सुन ही नहीं रही है बात, और मेरे को भी ऐसे डर लग रहा है कि भाई रात हो रखी है और मतलब बाहर है हम, क्योंकि कमरा तो अंदर की साइड है, ये अगर मैं चींक भी मारूंगी तो कहती है मैं लिटरली ये सोच रही हूँ कि 2 मिनट तो उनको भी आते हुए लगेंगे कि कुछ भी होता है तो, पर ना ये हवा में ही देख रही है। अच्छा। उसके बाद ना ये उसको ना कहती है रोजी चल, ऐसे करके ना खींचती है, और रोजी को खींच के थोड़ा सा आगे लेके आती है, जैसे वो किचन वाली साइड पे जहाँ पे वो बर्तन और वो किचन साथ में कनेक्ट होता है, किचन वाली साइड से निकलते ना किचन की सारी खिड़कियां खुली होती है। किचन उनकी खिड़की कैसी थी, किचन ऐसे लंबी थी और उसमें बथेरी खिड़कियां थी, बथेरी इन द सेंस की बहुत सारी खिड़कियां थी, सबकी सब खुली हुई है। वो ना एकदम से देख के ना ऐसे हो जाती है कि खिड़कियां तो ये खोलते ही नहीं है, ये कैसे खुली हुई है। कहती कि मतलब वो इतना डरावना सिनेरियो था, सारी सिर्फ खिड़कियां खुला हुआ देखना, मैंने इतनी मतलब मैं 7 ईयर्स की हो चुकी थी उस टाइम पे, मैंने आज तक नहीं देखा था। मुश्किल से 2 खिड़कियां कभी कभी यार खोल देते थे कि वो हो रहा धुआं, क्योंकि ओपन किचन बनी हुई थी, बाहर को सारी खिड़कियां खुली हुई है। कहती मतलब मैं चींक मारना चाहती हूँ देख के, मेरी चींक भी नहीं बज रही है। और इतनी देर में ना रोजी मेरे को ऐसा करके पुल करती है मेरी फिंगर, और कहती है कि वो लोग आ गए हैं। क्या वो लोग आ गए हैं? वो लोग आ गए। That's it। और कहती वो टाइम था कि मतलब मेरी आंखों से आंसू भी निकल रहे हैं, मेरे गले में जैसे आवाज फंस गई है, जैसे किसी ने मेरी आवाज ही छीन ली होती है। और ना वो ऐसे देखती है, और उसके बाद ना वो पता नहीं उसको रोजी को क्या दिखता है, वो बहुत जोर से चींक मार देती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है ऐसे करके। और ना उसके मम्मी पापा दादा दादी ऐसे चाचा चाची सारे बाहर आ जाते हैं कि क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया देखने के लिए। तो ना वो इशारा करती है, जिसने मुझे स्टोरी भेजी जो मेरे सब्सक्राइबर, वो इशारा करती है कि खिड़कियों की ओर, तो देखती खिड़कियाँ सारी बंद है। अच्छा। कहती मतलब मैं ऐसे हो गई थी कि मैंने अभी तो देखी खिड़कियाँ सारी खुली और वो बंद पड़ी हैं, कुछ ऐसा नहीं हुआ कि ढम ढम बज रही थी ये वो, सिर्फ खुली थी और वो खुली देख के डर गई और अब बंद है। जब उसके घर वाले सारे बाहर आए और रोजी ने चींक मारी थी उसके कारण बाहर आए, तो वो रोजी को ही पकड़ते हैं, वो उसको देखते ही नहीं है। तो ना उसके बाद ना इसकी मम्मा का ध्यान जाता है, बेटा तुम क्यों रो रही है, क्या हुआ ऐसे करके ना पकड़ते हैं उसको कि चलो अंदर चलो अंदर चलो ऐसे करके, अच्छा देखो सुलाते हैं ऐसे करके उसको सुला देते हैं, पूछते हैं पहले कि क्या हुआ, कुछ देख लिया, किस चीज़ से डर लगा, कुछ ऐसे। तो ये कहते कि मैं बोल ही नहीं पाती हूँ, और रोजी तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डरी होती है। तो रोजी भी कहती मेरी तो मतलब ना पूरी रात के लिए, उस रात के लिए आवाज़ ही गायब हो गई थी। अच्छा। आई फेल्ट लाइक आई हैड नो वॉइस, मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया उस चीज़ को कि मैं बोलना चाह रही हूँ कुछ कहना चाह रही हूँ पर मैं मूवमेंट ही नहीं कर पा रही हूँ, कोई वर्ड निकल ही नहीं रहा बाहर। पता नहीं कहती कि आज भी मुझे समझ नहीं आता कि वो डर था या कुछ ऐसा हो गया था मेरे साथ कि मैं बोल नहीं पा रही थी, आवाज़ नहीं आ रही थी। उसके बाद रोज़ी भी इतना घबराई हुई है, वो भी बेचारी कुछ बोल नहीं पा रही। 4 साल का बच्चा क्या बोलेगा यार, छोटा सा बच्चा है। और उसने ऑलरेडी बोला कि वो आ गया ऐसा करके। अगले दिन जब वो सेंसेस में आए ना दोनों, उसने उससे पूछा रोज़ी ने कि मतलब दीदी आपको दिखे थे वो? अच्छा, मेरे को तो वो रोज दिखते हैं। तो कहती कि देखो क्या दिखता है, मतलब ऐसे करके पूछती है। तो वही बच्चों का दिमाग, कहती कि मेरे को ना ऐसे क्यूरियोसिटी वाला दिमाग चल रहा था मेरा, डरी भी हुई थी मैं पर क्यूरियोसिटी, दिन चढ़ा है अब डर नहीं लग रहा मेरे को, मेरा दिमाग फिर उस मोड में। सो अब वो पूछती है कि मतलब मेरे को एग्जैक्टली बता कि हुआ क्या है, देखो क्या दिखता है, तो क्या एक्सपीरियंस कर रही है, क्या चल क्या रहा है। तो फिर रोज़ी बताना शुरू करती है। फिर रोज़ी एक के बाद एक चीज़ें अनफोल्ड करती है। कहती है जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, जब मेरे बूबू हुआ था, मेरी लकी थी, जैसे मतलब बच्चा एक छोटा नरेट कर रहा है ना, एग्जैक्टली वैसे उसको बता रही है। कहती है जब मैं आई वॉज स्लीपिंग, कि मैं सो रही थी, तब मुझे एक अंकल मिलने आते हैं, वो कहते हैं कि चलो मेरे साथ। अच्छा, सो रही थी इन द सेंस कि ये जब बेचारी बेहोश पड़ी थी, जब ये फाइट कर रही थी अपनी लाइफ के लिए। कहते हैं फिर उसके बाद ना जब मैं एक ना ऐसे कहती हूँ कि अभी रुको, मेरे को अभी नहीं, मैं जाना है, मेरे को मम्मी पापा पास जाना है, मम्मा पापा पास जाना है। तो कहती है कि फिर ना रिंकी दीदी भी आती है, उनकी चाचा चाची की बेटी। अच्छा, जिसकी एक्सीडेंट हुआ था, जिनका साथ हुआ था, कि मैं भी जा रही हूँ तो मेरे साथ नहीं आएगी रोज़ी, चल ना। तो कहती है कि रिंकी दीदी पर अभी तो तमन्ना दीदी पास जाना है ना, उनका भी तो मिलना है, आप क्यों जा रहे हो उनके साथ, आप तो नहीं जानते उनको। कहते कि वो फिर भी मेरे को लेने आते थे रोज रोज। अच्छा, फिर जब मैं उनके साथ नहीं गई तो फिर अब वो मुझे इधर लेने आ गए घर पे। अच्छा, सो इतना सारा कुछ वो छोटे से बच्चे के साथ हो रहा है और वो सारी स्टोरीज को बता देती है अपनी बहन को। जो तमन्ना होती है ये जाके ना अपने उसको बताती है, मम्मा पापा को, मम्मा पापा ये चीज़ हुई थी, दिस इज वॉट आई एक्सपीरियंस, मेरे को ये सब दिखा है, मुझे नहीं पता इसका सोल्यूशन क्या है, पर मैं सच में, आपको लग रहा होगा कि मैं छोटी बच्चा हूँ, मेरे को नहीं पता है ये वो, मतलब इतना सेंस तो आ ही जाता है ना कि बच्चे को बताने में। पर ऐसा हुआ है रात को, तो ना पेरेंट्स देखते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, देखते हैं ऐसा करके। तो कहती ये ना मेरे को पूरा यकीन था कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे पे विश्वास कर लिया है। और उसी टाइम वो उठ के जाते हैं, वो दादा दादी के कमरे की ओर जाते हैं। तो मैं समझ गई कि है ना कि ये डिस्कस करेंगे और ऐसे करके। और मेरे को ना ऐसा था कि रोज़ी को अकेला भी नहीं छोड़ना था क्योंकि वो उसके साथ तो इतना सब कुछ चल रहा है और ऐसा हो रहा है। तो उसके बाद ना मैंने उसको कहा कि तू क्या कर रही है, तो वो ड्राइंग बना रही होती है, लेकिन मेरे को बात सुननी थी उनकी, मुझे बातें सुनने जाना था उनकी कि वो क्या बात करेंगे, क्या डिस्कशन करेंगे, अब आगे क्या होगा, कि हम लोगों के लाइफ में बहुत आगे हैं, ये सब चल रहा है, और क्या हम रिंकी से भी बात कर सकते हैं, रिंकी हमारे साथ ऐसे भी कनेक्टेड रहेगी। मतलब बहुत सारी, एक बच्चा जैसे अपने वो वर्ल्ड बना लेता है ना, एक वो बना लिया था उसने, कोई सीरियल ही बना लिया था अपने दिमाग में। सो वो उसको उठाती है रोज़ी को कि चल मेरे साथ। तो रोज़ी कहती है कि ना नहीं अभी नहीं जाना है, ये तो रह गया है। वो ब्लैक और ऑन करके ना उसको लड़की के मुंह पे लगाती है फिर से। तो उससे पूछती है कि ये जो ड्राइंग बना रही है ये क्यों बनाती है, तो इसको ऐसे ब्लैक क्यों करती है हमेशा। कहती है रिंकी दीदी है, रिंकी दीदी का मुँह बांधा हुआ है, उनके हैंड्स भी बांधे हुए हैं। अच्छा, और इसको वो अंकल जो आता है वो लेके जाता है, वो मेरे पास आती है, वो उसको पकड़ के ले जाता है, वो मेरे पास आती है, वो उसको पकड़ के ले जाता है। रिंकी दीदी हमेशा मेरे को कहती है कि मेरे को बचा लो, अब मैं उनकी हेल्प कैसे करूं, मुझे तो नहीं पता है। तो ना कहती कि मैं मतलब बातें सुनने का मेरा होता है कि मैं बातें सुनूंगी, क्या होगा क्या नहीं, या मैं उसकी बात सुन के और बौखला जाती हूँ। तो मैं सीधा कमरे में एंट्री मारती हूँ उनके। तो मैं जाती हूँ, मैं बोलती हूँ मम्मा पापा ये सब चीज़ है, दादा दादी, इसको ये जो ये लड़की बना रही है ये बोल रही है कि ये रिंकी है और रिंकी ऐसे ऐसे उसमें है, इसको कुछ करें, अब हम क्या करें कैसे करें। तो ना फिर वो अपने किसी पंडित को बुलाते हैं, जो उनके पुराने पंडित जो फैमिली के होते हैं, जो ट्रस्टेड होते हैं कि अच्छा ये सब हो रहा है हमारे साथ। क्योंकि आप किसी भी बाहर के बंदे को दिखाओगे ना, पहले तो कहेगा कि नहीं वहम है, भ्रम है, वे भी है, क्योंकि हर कोई इतनी जल्दी एक्सेप्टेंस नहीं करता है। लेकिन कोई अंदर को आएगा ना जिसको पता है कि नहीं ये वैसे लोग है ही नहीं है, ड्रामा रूम में वाले, इनके साथ कुछ हुआ है ये तभी बोल रहे हैं। तो वो वेट करते हैं कि पंडित आए और हम उसको बताएं। वो शाम को आता है तो उसको बताते हैं कि ये हमारी बेटी है, ये ऐसे है, तब तक ना उसको साथ में ही रखते हैं। और ना फिर उतनी देर में ना साथ में सोफे में लिविंग रूम पे सारे बैठे हुए हैं, पूरी की पूरी फैमिली बैठी हुई है। और जो भी कोई काम कर रही है ना वो चाची कर रही है, क्योंकि मम्मा को वो जाने नहीं दे रहे अब, क्योंकि तमन्ना भी बहुत डरी हुई है कि ये सब क्या चल रहा है। तो ना रोजी फिर उसकी उंगली पकड़ के कहती है अंकल मेरे को बहुत गुस्से में देख रहे हैं। फिर से मतलब वही थोड़ी थोड़ी देर बाद ना कुछ उसको बताई जा रही है, जब तक शाम का टाइम पंडित वाला नहीं आ गया। पंडित जी आते हैं, पंडित जी बैठते हैं, वो ना पूछते हैं कि बेटा क्या क्या एक्सपीरियंस किया, क्या क्या देखा ऐसे। तो ना तमन्ना सारी चीज़ें अनफोल्ड करके बताती है कि इसने ये हुआ, इसके साथ ये हुआ। कहता कि ना मुझे एक बार उससे भी पूछना पड़ेगा। तो कहती कि मैं ऐसे उसे वो बन जाती हूँ कि नहीं नहीं मैं नहीं पूछने दूंगी, मेरी बहन आगे डरी हुई है ये वो। तो ना फिर वो मुझे समझाता है कि बात तो उसी से करनी पड़ेगी बेटा, जो वो शब्द बोलेगी ना उससे मुझे समझ आएगा कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। फिर वो बताते हैं सारी चीज़, जब ऐसे 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 मैं सो रही थी तब से ये होने शुरू हुआ। तो कहते कि ना सो रही थी और ये चोट कहाँ से लगी बेटा। एक्सीडेंट वाली बात भूल ही जाते हैं सारे लोग, उनको लग रहा होता है कि उसकी जो रिंकी की डेथ हुई है उसके उससे रिलेटेड कुछ है या कोई और एंटिटी है जिसको वो समझ नहीं पा रहे। और बुजुर्गों को लग रहा होता है कि कहीं हमारे कोई वो मित्र ना हो जो लेने आते हैं कुछ ऐसा, मतलब कुछ भी उनको लग रहा होता है बट समझ नहीं आ रहा होता। जब वो चीज़ें बताता है ना वो कहता है कि एक्सीडेंट कहाँ हुआ था आपका। तो फिर वो उनको बताते हैं कि ऐसे ऐसे उस रोड पे हुआ था। तो कहते हैं कि ना अच्छा। तो कहते हैं कि आपने जब शादी करी थी उसके बाद आप वहाँ पे चढ़ावा चढ़ाने गए थे, तो उसके मम्मा पापा गए होते हैं रोजी के, पर उसके चाचा चाची नहीं गए थे। ओके। उधर का कोई रिवाज है कि अगर आपका हो गया ऐसे, आपने गाड़ी लेनी है तो चढ़ावा चढ़ाना है, आपने अगर शादी करी है तो चढ़ावा चढ़ाना है। तो वहाँ पे जो वो चढ़ता है वो चढ़ाना ही चढ़ाना है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे वो कुछ कह देते हैं कि जगहें भारी हैं, वहाँ से जाता हुआ कोई भी ट्रक कोई गाड़ी एक्सीडेंट होना ही होना है अगर आप माथा टेक के ना जाओ। इंडिया में ऐसे बहुत सारी जगहें हैं, बहुत सारे रोड्स हैं, है ना। कोई ना कोई लोकल भी होएगा आपके, आपने स्टोरी सुनी होगी कि यार उस मोड़ पे ना बड़े एक्सीडेंट होते हैं। पंजाब विच भी है काफी इतने दिन रोड, मेरे अपने घर के आसपास भी एक दो स्टोरीज मुझे पता है। और वैसे ही एक ऐसा था कि मतलब कुछ घर ले लेते हैं कुछ लोग कि यार उस घर में तो कोई बसता ही नहीं है, या वो दुकान कोई भी खरीदता वो तो चलती ही नहीं है। देयर सो मेनी थिंग्स होती हैं चीजें ऐसे, इट एग्जिस्ट, बट हर बार जरूरी नहीं है कि एंटिटी लिंक्ड हो। कई जगहें वैसी होती हैं, उधर चीजें ऐसी हुई होती है कि एनर्जीज वहां की खराब हो जाती हैं। सो यहाँ पे भी अब क्या था कि ऐसा ही कुछ हुआ था। रोड की वो जो उसको अंकल दिखते थे ना वो एंटिटी कौन थी, किसी का एक्सीडेंट हुआ तो कोई मरा हुआ था, कौन था पता ही नहीं है, कौन आता था नहीं पता। लेकिन वो जो रिंकी आती थी ना वो जो वो कहते कि शायद से ना वो बेचारी परेशान है। ओके। उसकी पूजा हमें करनी पड़ेगी, उसका जो संस्कार का जो सिस्टम है वो देखना पड़ेगा कि अपने की है कोई चीज़ रह तो नहीं गई। और मरे हुए भी उसको भी मतलब 40 दिन भी नहीं हुए थे जब ये सारी चीज़ें होना शुरू हो गई। तो फिर उन्होंने उसके लिए और हवन करवाए, पूजा करवाई, और फिर ना तब तक उन्होंने ना इसको मतलब थोड़ा सा ना रखा कि पूजा पाठ करते थे, पर इसको ना वैसे ही रखा कि पूरा आज़ाद नहीं किया उस ट्रॉमा से रोजी को, क्योंकि रोजी ही एक लिंक था जिसके थ्रू पता चल रहा था। और यहाँ पे कहीं ना उसके मम्मा पापा तो कह रहे थे कि उसको भी रिलीफ करोगे, हमारा बच्चा क्यों सफर करे। लेकिन चाचा चाची कह रहे थे कि हमारी बच्ची भी तो सफर कर रही है। तो वो कहीं ना कहीं वो फैमिली में जितना मर्जी प्यार था, और अब वो रोजी को ही प्यार कर रहे थे इतना, पर जब उनको दिखाई दिया कि उनकी बेटी फंसी हुई है किसी और रैलम में, तो वो बौखला गए कि नहीं 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 नहीं। और फिर पंडित जी का भी लॉजिकल रीजनिंग था कि एक बच्चे की आत्मा है, उसको पता नहीं चलेगा, वो भटकती रह जाएगी, क्योंकि वो इतनी मेच्योरिटी में नहीं गई है, उसके सेंसेस खुलने में बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत कुछ। तो फिर उन्होंने हवन करवाए, पूजा करवाई। फिर जब उसको ऐसा लगा कि अब मेरे को कोई परेशान नहीं करता है रोजी को, कि हाँ ठीक है, उसको मतलब हरकतें नॉर्मल होगी ना, बच्चा अब वैसी ड्राइंग्स नहीं बना रहा है, खा पी नॉर्मल रहा है, बाहर खेलने जा रही है, अपनी बहन से अच्छी बातें कर रही है कि आज स्कूल में पता है क्या हुआ, आज ऐसे हुआ, जैसे नॉर्मल रूटीन थी वो शुरू हो गई। ठीक है, नॉर्मल उसको सब कुछ लगने लग गया। तो कहते हैं कि हमें लगा कि ठीक है ना, सब कुछ सही हो गया ये वो, और पंडित को भी अच्छे खासे पैसे जा रहे थे हर हवन के, हर पूजा के। तो हमें लगा कि ठीक हो गया, अब रोजी का ही रिंकी का ही सब कुछ है और रोजी पे इफेक्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कहते कि ना हमें पंडित जी ने एक लास्ट चीज बोली थी कि इसको लेके आना है, इसका हम ना माथा टिकवाएंगे ऐसी ऐसी एक जगह पे, तो वो आपने करवाना ही करवाना है, उससे पहले मैं इसको प्रोटेक्शन का यंत्र पहना दूंगा। तो कहते कि ना हमने उस चीज को ले लिया थोड़ा लाइट, कि अब इसको दिख नहीं रहा, नॉर्मल हो गई है लाइफ, सब कुछ नॉर्मल है, तो पैसे भी तो जा रहे हैं ना भाई बहुत, सब कुछ, हर फैमिली हर चीज अफोर्ड नहीं कर सकती है ना, अगर उनको नॉर्मल होती हुई चीजें पॉजिटिव में दिख रही हैं तो वो जाने देंगे, मोस्टली फैमिलीज ऐसे ही करेंगी। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ बाप हमारा पूरा ही पैसा चूस लो और फिर करो, नहीं होता है। तो क्या होता है कि जो रोजी होती है उसको एकदम से दोबारा से अपने कुछ ऐसे डार्क डार्क सी चीजें दिखाई देने लग जाती है। अच्छा, तो ना वो अपनी बहन को उठाती है और ना वो इस कंडीशन में फ्यूरियस, एकदम फ्यूरियस गुस्से में उठाती है और कहती है कि ना मेरे को भी आज़ाद करवाओ, ऐसे करके बस कहती है। इतने गुस्से में ना उसने मुझे उठाया, रात को सोते हुए मम्मा पापा के बीच में सो रहे थे, इतने गुस्से में उसने उठाया और वो सो गई वापस, मतलब जैसे वो उठी ही नहीं थी। अच्छा, और ना मैं मम्मी को उठा रही हूँ कि मम्मा इसने अभी कुछ किया कुछ किया कुछ किया। फिर अगले दिन वो जाते हैं पंडित के पास, उसको पूछते हैं कि वो कहते हैं कि मैंने तो आपको पहले ही बोला था, आप लोग कभी पूरी बात सुनो तो, है ना, ये तो अब आ पा रहे हो 3 महीने बाद, अब इतने महीने में बच्चे के साथ अंदर क्या क्या हो गया मैं कैसे जानूं, मैं कैसे मदद कर दूं, और मैं क्यों ऐसी चीजों से पंगे लूं जो तुम्हारी लड़ाई है। सही बात थी उसकी भी, गलत तो नहीं था, उसने तो पहले ही बोला था कि आजाद करवा लेना। फिर वो कहता है कि ठीक है, जो तुमने काम करना था वो है कि तुम्हें ऐसे करके एक हनुमान जी का मंदिर है वहां पे जाके माथा टिकवा के लाना है और वहां पे सिर्फ इसको लेके जाना है। अच्छा, हो सके तो सिर्फ अगर मम्मी के साथ बनती है माताजी ले जाए, पिताजी के साथ बनती है पिताजी ले जाए, चाहे एक ही जाना जाओ, वहां का ना पानी लेके आना है ना प्रसाद लेके आना है, कुछ नहीं, बस माथा टिकवाओ, इसको बोलो कि जो हमारे बस का नहीं है, जो हमारे मतलब कंट्रोल में नहीं है, हमारा बच्चा भी नहीं सहन कर सकता, वो चीजें हमारे में नत लाओ और इसको आजाद करो उस चीजों से। तो कहते हैं कि ठीक है, तो कैसे खर्चा कितना होएगा, क्या होगा, क्या सीन है। तो कहता है कि देखो खर्चा प्यारा है कि मतलब बेटी प्यारी है, ऐसे करके ना उनको पड़ती है डांट वांट पंडित से और सब कुछ। तो फिर वो कहते हैं कि वो सबको प्रोटेक्शन का धागा पहनाते हैं घर में, दादा दादी तक को, इतने बुजुर्गों को भी। अच्छा, सबको प्रोटेक्शन का धागा बनाते हैं, रोजी को भी बनाते हैं कि जो भी कोई चीज है, जो भी कुछ उसको दिख रहा है वो नहीं होगा। ओके, वो उसको लेके जाते हैं वहां पे हनुमान जी के मंदिर में, माथा टिकवा के वापस ले आते हैं। ओके, लाइफ गोज बैक टू नॉर्मल, सब कुछ सही हो जाता है। और आज के डेट में शी इज अ हैप्पी किड, अच्छे से पढ़ रही है, नॉन मेडिकल कर रही है, बढ़िया है। आई मीन इतना सब कुछ उसकी लाइफ में हुआ, बट नाउ शी इज ओके, शी इज फाइन, एंड रिस्पॉन्सिबल एडल्ट। सो एक चीज तो है हिताक्षी के ऐसी चीजें हैं, मतलब ऐसे कुछ जगह है या रोड है यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं या कुछ नुकसान हो जाता है, मैंने सुन रखा है ऐसे। बहुत सारे रोड्स हैं जहाँ पे ऐसा होता है कि अगर आप माथा टेक के, आपने वैसे अगर आप एक जनरल एग्जांपल देते हो अगर लोग रिलेट कर पाए, अगर आप पहाड़ी इलाकों पे जाओ ना तो कुछ टर्न्स पे कुछ कुछ देर बाद ना आपको वो दिखेंगे छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, तो वहां पे भी कुछ कुछ हुआ होता है, दैट इज व्हाई वहां पे रखा होता है ऐसे। अच्छा, कि भगवान आप देखो यहाँ की एनर्जी हमारे इंसानी लोगों से तो ऊपर की है। हाँ, ये मैंने भी नोटिस किया, छोटे मंदिर बना देते हैं यो। ठीक है, आज की स्टोरी इतनी थी। मैंने खुद सुन रखी है ये चीजें, रिलेटेबल बहुत है। हाँ, एक्सीडेंट होते हैं ऐसे काफी जगह, ऐसे है कि एक जगह से क्रॉस करना है, पहले माथा टेकना है, कुछ पैसा चढ़ाना है, फिर वो क्रॉस करना है, नहीं तो वो एक्सीडेंट होता ही होता है। कुछ ऐसी जगह है, जरूरी नहीं है कि एंटिटीज वाला हर एक के साथ होता है, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि एनर्जी नेगेटिव हो जाती है, बट वो बच्चे के साथ क्या हुआ था कि हमारे कुछ चक्रास होते हैं, उसका वो चक्रा एकदम एक एक्सीडेंट के कारण खुल गया, जो उसने नहीं किया, फोर्सफुली खुला, तो उसको वैसी चीजें देखने को मिली जो वो बेचारा एक्सपीरियंस ही नहीं करना चाहता। सपने में कोई बुला रहा था कि आजा, लेकिन वो नहीं गई, है ना, कैसी चीजें। सो किस किस को पता है ऐसी जगहें यहाँ पे ऐसी चीज़ें होती हैं, या आपके साथ एक्सपीरियंस हुई है, या आपने सुन रखी हैं, वो भी चीज़ें नीचे कमेंट करना। और आपके पास भी अगर कोई स्टोरी है, आपके किसी कज़न के साथ या फ्रेंड के साथ हैपनिंग हुई है, तो आप मेल कर सकते हैं, ये मेल आईडी है, तो आपकी स्टोरी हिताक्षी नरेट करेंगे इसी चैनल पे। और अगर आप खुद आना चाहो तो भी आप मेल कर सकते हो, तो इन्विटेशन का वो हो जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। सो गाइस, चैनल को कर दो सब्सक्राइब ताकि आप नई नई स्टोरीज सुन सको, और अपनी स्टोरीज भी ज़रूर शेयर करो। जैसे आज मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई है, वैसे ही हो सकता है नेक्स्ट स्टोरी आपकी हो, So keep sharing, keep loving. Okay, bye bye. Bye bye. Channel सब्सक्राइब कर देना.